केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के विद्यालय शिक्षा निदेशालय नानूर खेड़ा को विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूलों और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही 11 जिलों में आवासीय छात्रावास चल रहे थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NDA IME कैडेट पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश से इस वर्ष चयनित कुल 77 कैडेट्स को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने की पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में, लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है। बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है, आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है।